जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम कुछ गमलों में मिट्टी और खाद जो है वो भरने वाले हैं। और कल हम उसमें थोड़े छोटे छोटे जो पौधे मैंने लगाए थे उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, एक जगह से निकाल के दूसरे छोटे छोटे गमलों में रखें लगाएंगे। कुछ मैंने बहुत ही छोटे गमले लिए हैं, कुछ आप देख सकते हो बड़े गमले लिए हैं, और कुछ जो गमले हैं वो मीडियम साइज़ के हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो कुछ गमलों में छेद नहीं आते तो इनमें मैंने यहाँ पे होल किए हैं, आप देख सकते हो। और कुछ जो गमले हैं उनमें अच्छे खासे होल आते हैं, तो ये बड़े गमलों में मैंने होल किए। और इनमें मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं जो करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा समझ में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी नेचुरल मिलाना चाहिए जिससे कि मिट्टी में ऑटोमेटिक ताकत बढ़े और वो खुद उस चीज़ को उपजा के रखे। तो मैंने क्या किया है कि मेरे यहाँ पे एक आम का पेड़ कटा हुआ था, तो मैं कुछ यहाँ पे ऐसी सूखी हुई पत्तियाँ ले लेता हूँ आम की। देख सकते हो आप, ये कुछ सूखी हुई पत्तियाँ हैं आम की, ये वाली है ना, और ये कुछ नीम की पत्तियाँ होती हैं ये। तो अमूमन लोग नीम की खली दुनिया भर की चीज़ें मिलाते हैं ताकि जल्दी से मिट्टी में पोषक तत्व मिक्स हो जाए, बट मैं वो चीज़ें नहीं मिलाता। मैं सीधा ये बर्मी कंपोस्ट और जो होती है मिट्टी, वो मिट्टी मिक्स कर देता हूँ और बस गमलों में भर के उसमें एक दिन पानी डालता हूँ और दूसरे दिन फिर उसको उसमें पौधा रोपण कर देता हूँ। तो ये पूरी प्रोसेस आप देखिए और देखिए कि कैसे मैं नए तरीके से मिट्टी को बना के और उनमें ये सब मिक्स करके कैसे उसको बनाता हूँ। तो अभी मैंने ये इसमें गमलों में आप देख सकते हो आम की पत्तियाँ जो हैं वो भर ली हैं इस टाइप से। इनसे होता क्या है कि जो हम जब पौधे में पानी देते हैं या मिट्टी में, तो वो इसमें से होकर एकदम से नहीं निकल पाता है ना, मिट्टी निकल पाती, आराम आराम से वो पूरी मिट्टी को गीले करते हुए और पौधे में से फिर मिट्टी में से निकलता है। तो इसमें पहले मैंने इसमें आप देख सकते हो ये आम की कुछ पत्तियाँ डाली और ये कुछ नीम की पत्तियाँ हैं। तो मैं इसमें इसलिए मिलाता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है, नीम में ना थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट टाइप का गुण होते हैं। तो नीम जो होती है ना वो कई मामले में इसमें जो कीटाणु होती है वो लगने नहीं देती है, क्योंकि कई मामले में हम नीम की खली वगैरह मिलाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मिट्टी खुद ही उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उस शक्ति को पैदा कर ले। तो ये बस मैं टेस्टिंग पर्पज़ से करता हूँ, मैंने हालांकि ये चीज़ कहीं देखी नहीं है, बस मैं टेस्ट करता रहता हूँ और फिर उसके बाद जो होती है चीज़ें मैं बताता रहता हूँ और अपने हिसाब से ही मैं बागवानी करता हूँ। जो सीखना होता है मैं सीखता भी हूँ, ऐसा नहीं, हज़ारों वीडियो देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लोगों से राय लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं चीज़ें करना चालू करता हूँ। तो अब मैं मिट्टी तैयार करूँगा, तो मिट्टी में मैं क्या 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 लूँगा। सबसे पहले तो मैं गार्डन सॉइल लूँगा जो कि मैं खेत से लेके आया हूँ, है ना, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या लेने वाला हूँ और कैसे लेने वाला हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सब मैं आपको आज इस तरीके से दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट मुझे मतलब दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, सो ऐसे ही देखते रहिए। सो अभी मैंने ये मिट्टी, कुछ मिट्टी और कुछ रेत और ये बर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी राख निकाली हुई है। तो ये मैं एक ऑर्गेनिक फॉर्म से लेके आया था मिट्टी, तो ये मिट्टी देख सकते हो आप, है ना, और ये जो है मतलब हमारी बिल्डिंग के कामों में यूज़ होती है वो थोड़ी रेत ले रखी है। और ये मैं एक फॉर्म से बर्मी कंपोस्ट ख़रीद के लाया था, ये जो कि वो लोग वहीं पे खुद ही बना रहे थे, तो वहाँ पे से मैं कुछ बर्मी कंपोस्ट लेके आया था। तो इसको अभी मिक्स करेंगे, है ना, ये मिट्टी से थोड़ा सा कम है, मतलब लगभग आधा के हिसाब से मैंने मिलाया है इसको, आप देख सकते हो ये, है ना। और ऐसे ही मैं मतलब थोड़ी सी राख ले रखी ताकि थोड़ी फंगस वंगस भी अगर लगे तो मिट्टी में ना लगे। तो इसी टाइप से इन चारों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगा, है ना। बाकी अगर आपके पास कुछ नहीं होता है, कभी आप जैसे सोयल तैयार करते हैं तो मिट्टी और रेत और बर्मी कंपोस्ट मिक्स करके भी आप ये तैयार कर सकते हो। तो मैं इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके
फिर इन पॉट में डालूंगा जिनमें कि मैंने पहले से ही आम के पत्ते और नीम की पत्तियां मिक्स करके डाल रखी हैं, आप देख सकते हो। ये मैं सब इसी में से मिक्स करूंगा और फिर गमले में भरूंगा, है ना। और फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं कि फिर क्या करता हूँ। ये मैंने सारी की सारी जो तीनों चीज़ें थी, मिट्टी, बर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी रेत और जो राख थी, वो मैंने मिक्स कर ली है। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो मिट्टी का कुछ स्वरूप इस टाइप का हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मिट्टी जो है ना, वो थोड़ी सी बारीक और अच्छी लगने लगी। थोड़ा सा मैंने इसको बड़े बड़े जो इसमें टुकड़े थे मिट्टी के, उनको भी फोड़ा है। और फोड़ने के बाद मैंने उनको भी थोड़ा सा बारीक करने के बाद उसमें मिक्स किया हुआ है। तो मैंने जो सारा बर्मी कंपोस्ट, रेत और राख और मिट्टी जितनी, उन चारों का मिश्रण करके इसको ऐसा तैयार कर लिया है। और अब मैं इनको धीरे धीरे करके, ये जितने भी मेरे पास ये पॉट रखे हुए हैं बड़े छोटे, उन सब में मैं इसको अभी भरूँगा, है ना। और भरने के बाद फिर मैं इनको इनमें थोड़ा सा पानी डाल के और एक दिन के लिए रख दूंगा, ताकि जो मिट्टी है वो पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। और उसको मतलब जब भी उसमें पौधा लगाएं या कुछ और लगाएं तो वो बेकार ना हो। ये देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर्स मेरे यहाँ पे हो रहे हैं। ये भी मैं दिखाते चलता हूँ आपको। ये देखिए देखिए, ये सो अभी मिट्टी भरने के बाद मैं आपको पॉट दिखाऊंगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ ये पता है। तो थोड़ा मेरे को काम करने के बाद फिर शूट करना पड़ता है। सो अभी मेरे साथ रेगुलर देखते जाइए और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। सो ये जो मिट्टी हमने तैयार की थी, ये हमने इन पॉटों में भर ली है। अभी थोड़े बड़े वाले गमलों के पॉटों में भरी हुई है मैंने, और अब थोड़ी बारी है। ये छोटे वाले और मीडियम साइज़ के जो पॉट हैं उनमें इसको भरने के लिए। तो मैं अभी एक आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लमेटिक होता है ये, क्या है कि मेरे को ना ये कहाँ से वो एक कैमरा पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से इसको भरना पड़ता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये छोटे वाले जो पॉट हैं, मैं अभी मिट्टी भरा रही है, ये देखिए। और ये आई थिंक इतनी भर चुकी है मिट्टी इसमें, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा हम यहाँ पे पटक देंगे ताकि पानी भरने के टाइम दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से ये सारे पॉट भरे जाएंगे और इनके बाद ये छोटे वाले पॉटों को भरेंगे और इनमें पानी भरने के बाद हम इनको एक दिन के लिए इसको रख देंगे। सो मैं आपको एंड ज़रूर दिखाऊंगा अभी। सो ये सारे के सारे जो गमले हैं, वो हमने मिट्टी जो हमने बनाई थी उससे हमने सब के सब भर दिए हैं। ये देखिए, ये छोटे वाले गमले हैं और ये जो हैं, ये आप देख सकते हो ये बड़े वाले गमले हैं। ये सारे के सारे जो अपने अभी सुबह जो मिट्टी बनाई थी उसे सारे ये भर दिए गए हैं। अब इनको मैं कल भरूंगा और आज मैं इन सब को पानी से पहले पानी दूंगा मिट्टी में, और फिर उसके बाद ही कुछ आगे अपन करेंगे। सो चलिए हम थोड़ा नल चालू कर देते हैं। और ये आई थिंक ये पानी आ गया है। तो एक एक करके सारे के सारे गमलों में आप देख सकते हो ये पानी यहाँ पे हम दे रहे हैं, और ये तब तक देंगे जब तक ये नीचे से नहीं निकल जाए, ठीक है ना। तो इनमें अच्छा खासा पानी दे देंगे। ये देखिए, ये अभी मिट्टी जो है ना वो गीली होगी और ये पूरा पानी पिएंगे गमले। तो मैंने अच्छी खासी इसमें भर दी है। ये देखिए देखिए कैसे पानी नीचे से निकल रहा है। देखिए, ये ड्रेनेज बन जाते हैं मिट्टी में। एक्चुअली में मिट्टी गीली रहना ज़रूरी है, उसमें पानी रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी गीली रहेगी और उसके बीच में से ये पानी पास होता रहेगा तो पौधों को बस नमी चाहिए, और वो नमी में से ही अपने जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में से निकाल लेते हैं।
ये देखिए ये मैंने सभी में पानी भर दिया है। ये देखिए ये सारी की सारी जो मिट्टी है वो गीली हो गई है, और मैंने कितना पानी भरा था अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट और सब मिक्स करके, ये मिट्टी में देखिए ये सभी में पानी भर देता हूँ, छोटे बड़े गमले हर गमले में पानी भर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा गमले थे इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका सहारा लेना पड़ा। देखिए सब का सब मैंने ले लिया है, तो इसी टाइप से मैं ज़रा सब में पानी भर देता हूँ, और आप ऐसे ही देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए, मैं ऐसे ही प्रकृति की चीज़ों को करके और उनके साथ चल के दिखाता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।